जय श्री महाकाल आदेश। तो आज का वीडियो बहुत छोटा है, केवल कुछ उपाय हैं कि अगर आपके जीवन में पैसा आ रहा है, कई स्रोतों से आ रहा है लेकिन रुक नहीं पा रहा है, क्या कारण हो रहे हैं कि पैसा थमता नहीं है, पैसा बस चला जाता है, तो इसके लिए एक विशेष उपाय। उस उपाय को करने से वो पैसा रुकेगा भी और आप लाभान्वित भी होंगे। तो भौतिक सुख, जब भौतिक सुख की चाह हो तो भौतिक सुख को देने वाले शुक्रदेव हैं, शुक्राचार्य महाराज, तो इनकी कृपा से ही भौतिक सुख प्राप्त होता है। और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य जी की आराधना विशेष लाभ देती है। लेकिन जैसे जो व्यक्ति जाप नहीं कर सकते, उनके पास समय नहीं है, उनके जीवन में बड़ी व्यस्तता है, तो इस व्यस्तता के कारण वो मंत्रोच्चारण या मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, लंबी बैठक नहीं बैठ सकते हैं, 11 माला 21 माला भी नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा उपाय है। तो शुक्रदेव की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा की कारक कुछ वस्तुएं होती हैं, तो उन वस्तुओं की, जैसे कोई व्यक्ति श्वेत वस्त्र धारण करे तो शुक्रदेव की कृपा होती है उसके ऊपर, सफेद वस्त्र, तो जैसे कोई सफेद वस्त्र पहनता है तो शुक्रदेव की उसके ऊपर कृपा होती है। ऐसे ही कुछ वस्तुएं हैं, जैसे फिटकरी, तो फिटकरी को आपको 400 ग्राम फिटकरी लेनी है, और 400 ग्राम फिटकरी लेने के बाद उसको ओम द्रम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र से अभिमंत्रित करना है। एक एक माला मंत्र जाप करिए और प्रत्येक बार एक मन का खिसकाया ओम द्रम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ऐसे फिटकरी के ऊपर क्योंकि अभिमंत्रित हो रहा है। एक एक माला चारों चार जगह कर दीजिए डिवाइड 100 ग्राम, और उसको डिवाइड करने के बाद आप चारों जगह यानी चार माला आपको जाप करनी होगी। शुक्रवार के दिन ऐसा करिए, वो चार माला जाप करनी है, चार माला से एक एक ढेर को अभिमंत्रित करना है, वो उसको सफेद कपड़े में बांध अपने घर के मकान के चार कोने होते हैं, चारों कोनों में कील ठोक के लटका दीजिए, तो जो पैसा आ रहा है वो रुकेगा, वो ना रोग में जाएगा, ना वाद में जाएगा, ना विवाद में जाएगा किसी भी प्रकार से। और जो घर के सदस्य निरर्थक व्यय करते हैं, निरर्थक खर्च करते हैं, उनका खर्च भी रुक जाएगा। जैसे व्यसन है या कोई भी चीज है, कई प्रकार की चीजें होती हैं, तो इस प्रकार का उपाय करने से निश्चित रूप से धीरे धीरे आप सोचें कि आज टांग दिए और शाम को फल प्रकट होगा, फल धीरे धीरे प्रकट होगा। इस प्रकार से आप करके देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इन उपायों को करने के बाद तत्काल लाभ प्राप्त होता है। तो ये आप करके देखिए, क्या है कि छोटी छोटी चीजें भी जीवन में बहुत बड़े लाभ प्रकट करती हैं। शायद आपको पता हो इस बात का, जैसे मैंने एक बार बताया था, मनोकामना पूर्ति के लिए 108 गुड़हल के फूल लीजिए, उसकी माला बनाइए, और माला बनाने के बाद शुक्रवार माँ भगवती को नवान मंत्र बोलते हुए माला पहनाइए। ऐसा आप 7 शुक्रवार नहीं कर पाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो ये उपाय आप कर लीजिए और लाभान्वित होइए। आदेश, जय श्री महाकाल।